जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कालाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। कामाख्या में सभी का कल्याण करे, सभी के जीवन में रंगत उमंगत लाए, सभी के को पॉजिटिव वाइब्स आए, सभी खुश हों और माता रानी की जो है अखंड कृपा सभी के ऊपर बने रहे। खैर, समय व्यर्थ न करते हुए हम गुरु कराल रुद्र तारा कालाचार्य महाराज आप सभी को एक नए तंत्र टॉपिक के साथ जो है पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं। तो वीडियो को जो है अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। पुराने चैनल के साथ साथ एक नए चैनल हमने बनाया, उसको भी जो है आप सभी जो है फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। खैर, समय व्यर्थ ना करते हुए हम आपको जो है एक नया तंत्र टॉपिक बताते हैं, मसानी का चुराहा जगाने की विधि। जैसे कि सभी ने सुना है कि माता मसानी, माता शीतला देवी जो है अधिष्ठात्री है, जो है तंत्र विद्या और जो है काले जादू की, हर क्रिया जो है चुराहे से होकर के ही निकलती है। चाहे आप शमशान की कोई पूजा करें, भले किसी भी प्रकार की कोई पूजा करें, तब तक जागृत नहीं होगी जब तक जो है चौराहे के ऊपर उसका भोग ना दिया जाए, या चौराहे के ऊपर वाली शक्ति को जागृत ना किया जाए। तो ये शक्तियाँ मूल रूप में तभी जो है आपका काम करेंगी जब जो है चौराहे के ऊपर जाकर के इनकी तृप्ति की जाए, इनको भेंट प्रसाद या बलि दी जाए। तो जैसे कि हमने कल की वीडियो में भी बताया था कि इस प्रकार से चौराहे के ऊपर जा करके जो है आपकी हंडिया उतरती है या उतारण उतरते हैं। लेकिन अब बताया कि चौराहे को किला कैसे जाता है, क्योंकि चौराहे के ऊपर जो है बहुत सारी शक्तियां निवास होती हैं और मसानी के चौराहे को कीलना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी के ऊपर मान लो मशान दोष हो जाए जिसके कारण व्यक्ति सूखता चला जाता है। मसान भी कई प्रकार के होते हैं, सूखिया मसान अगर किसी के ऊपर हो जाए तो इंसान सूख सूख के मर जाता है, मतलब उसका पूरा खून नकारात्मक शक्तियाँ पी जाती हैं, तो इंसान सूख सूख के मर जाता है। ऐसी अगर किसी के ऊपर जो है कालिया मसान छोड़ दिया जाए तो उस इंसान का जो है सारा का सारा जो है खून काला पड़ जाता है, उसका मस्तक काला हो करके मतलब अंत में वो भी इंसान तड़प तड़प के जो है बीमारी से मरता है, या कैंसर की या कोढ़ की बीमारी से। उसी प्रकार से किरकटा मसान होता है, अगर मान लो किसी के ऊपर तो शरीर के अंदर उसके पथरियाँ या पत्थर हो जाते हैं उस इंसान के पेट के अंदर, तो उसी के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मतलब अलग 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 दोषों के निवारण के लिए सिर्फ एक मशानी का चौराहा जगाना पड़ता है। अगर मशानी का चौराहा जाग गया तो समझ लो कि तुम्हारी जो है आधे से ज़्यादा जो है प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी, मतलब भक्ताई के अंदर लोगों की, मतलब बहुत ज्यादा तुम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। मतलब मशान दोष हर प्रकार का तुम उतार सकते हो, भले वो तेलिया मसान हो, भले वो किरकटा मसान हो, भले वो जो है उधर मशान हो, या फिर जो है भानु मशान हो। तो मशान कई प्रकार के होते हैं जो लोगों के ऊपर अलग अलग क्रियाओं करके द्वारा जो है लोगों के ऊपर कर दिए जाते हैं, जो लोगों का सर्वनाश करने में अपनी कोई कसर छोड़ते नहीं है। तो इनसे बचने के लिए, अच्छे तरीके से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इंसान को जो है क्रियाएं करना पड़ता है, और क्रिया के माध्यम से इनका उतारण करना पड़ता है। अगर किसी के ऊपर से ये सब दोष उतारने हैं, या किसी को इन दोषों से मुक्त करना है, या इन समस्याओं की किसी के लाइलाज बीमारियों को ठीक करना है, तो कोई बोलता है कि लाइलाज बीमारी उसको हो गई, किंतु किसी भी भक्त की चौकी के ऊपर जाने से या उसके द्वारा कोई अनुष्ठान करने से वो ठीक हो जाते हैं। जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते वो साधक ठीक कर देते हैं, भक्त ठीक कर देते हैं। कारण, क्योंकि उनके पास ये इलाजों को करने के लिए, इस बीमारी को काटने के लिए शब्द होते हैं, कलम होती हैं उनके पास, और इन्हीं के माध्यम से वो अपनी क्रियाओं को जो है जान दे पाते हैं। लाइलाज से लाइलाज जो है बीमारियों को ठीक कर देते हैं, और लोग उनकी जो है संसार के अंदर प्रसिद्धि जो है करते हैं, और साथ में भगवती का नाम भी ऊंचा होता है, भक्ति का नाम ऊंचा होता है, चौकी का नाम ऊंचा होता है उनकी। तो ये जो सब क्रियाएं हैं वो जो है मशानी का चौराहा कीलन से ही आरंभ होकर के अंत जो है इसी पे जो है समाप्त हो जाती हैं। तब ये चौराहा कैसे कीला जाता है? जो साधक, जैसे बोलता है कि फलाने साधक ने शमशान को कील दिया कि शमशान के अंदर अब कोई नकारात्मक शक्ति किसी को प्रभावित नहीं करेगी, वैसे अगर किसी के ऊपर शमशान जो है चढ़ा दिया गया हो, अनिवार्य नहीं कि शमशान को शमशान में ही जा करके उतारा जाए, उसको जो है चौराहे पर जा करके भी उतारा जा सकता है। तो उस व्यक्ति इंसान को जा करके चौराहे पर नहलाना पड़ता है, उसी के वस्त्रों को वहीं पर छुड़वा देना पड़ता है, और उस समय मंत्र पढ़ने पड़ते हैं। और ये मंत्र जो है हम यहाँ पे नहीं बता सकते, क्योंकि ये मंत्र बहुत ही ज्यादा गोपनीय है। ये वो मंत्र है कि यदि आम भाषा में इनका कोई यदि कोई प्रयोग करे तो शमशान की चीजें आसपास घूमनी शुरू हो जाती हैं। तो इनसे बचने के लिए मूल रूप में जो है इन मंत्रों को तो हम नहीं बता सकते, उनको बताएंगे जो दीक्षित होंगे, जो संसार कल्याण की भावना को अपने हृदय के अंदर समाहित करके रख रहे होंगे, और वो साधक जो मेहनत करने वाले होंगे और हमारे शिष्य होंगे। सिर्फ गिने चुने शिष्यों को ये मिलेगा, हर शिष्य को मिलने वाला है नहीं। तो महामाया की कृपा से बेटा जो है
मंत्र जाप करना पड़ता है उसके ऊपर बैठ करके। अगर किसी को जागृत भी करना पड़ता है, करना होता है, तो कच्चे चौराहे के ऊपर जो है शमशान की कुछ चीजें दबानी पड़ती है और यंत्र दबा करके उसके ऊपर बैठ करके तपस्या करनी पड़ती है कुछ समय तक, 1.5 महीना, 1.25 महीना, प्रत्येक शनिवार को जा करके उसके ऊपर बैठ करके पूजा करके आनी पड़ती है, वो वस्त्र उतार करके चौराहे पे, कच्चे चौराहे पे, किसी ऐसे जंगली चौराहे पे जहाँ पे किसी इंसान का वास ना हो, मतलब इंसान आता जाता ना हो, डिस्टर्ब करने वाला कोई हो ना आसपास। तो मंत्र जाप करना पड़ता है। जिस समय ये जागृत हो जाए मंत्र अच्छे तरीके से, तो समझ लो बेड़ा पार है महामाया की कृपा से। कोई समस्या मतलब होगी ही नहीं। मतलब उतारण करने के लिए भी सिर्फ क्या करना पड़ता है, यदि कोई इंसान के ऊपर ऐसा हो गया तो काली मिर्च दे करके मंत्र से अगर पढ़ दे तो उसके अंदर की पूरी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, और बाद में भेंट स्वरूप उसकी जो है चौराहे के ऊपर पहुंचवा दी जाए तो समझ लो कि उस इंसान का सारा रोग बाधा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, भूत प्रेत बाधा ठीक हो जाएगी, जो है अलग अलग प्रकार के मसानी दोष उसके निवारण हो जाएगा, भूत प्रेत डाकनी साकनियों से उसको सुरक्षा मिल जाएगी और किए कराए का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जिस समय आप मंत्र जाप करेंगे, सिद्धि करेंगे और जो है शरीर को मेहनत देंगे, मतलब मेहनत करेंगे, शरीर को कष्ट देंगे इस चीज़ में, तपेंगे साधनाग्नि में। तो ये चीज जो है आपको करनी पड़ेगी, अधिक से अधिक इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे पूर्ण विधान तो हम नहीं बता सकते, पर इतना बता सकते हैं कि उन साधकों के लिए अनिवार्य है जो शमशान साधना पहले कर चुके हैं। हर साधक इसको नहीं कर सकते हैं। खैर, हमने जो है बेसिक कोर्स को स्टार्ट किया है और आज जो है अंतिम दिवस है, क्योंकि कल जो है शरद पूर्णिमा की महारात्रि है जिसमें हम जो है रक्षा सूत्र का निर्माण करने वाले हैं। तो सभी साधकों के लिए कंपलसरी है कि जो जो हमसे जो है रक्षा सूत्र की मांग कर रहा है या रक्षा सूत्र बनवाना चाहता है या रक्षा सूत्र बनवाने का इच्छुक है वो फटाफट से हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, और जो दीक्षा लेना चाहता है वो दीक्षाओं के लिए हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें अपनी डिटेल्स के साथ जो जो हमने बताई थी, और हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 का भी अगर उसके ऊपर जो है टारगेट कंप्लीट हो गया तो समझ लीजिए हम वहाँ पर लाइव आ सकेंगे। तो और साथ में हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। जय कामाख्या माँ।